क्या समस्या है आपकी? सांड बहुत है भैया यहाँ। अब कहा भैया कैसी बात कर दो यार, तुम बताओ सांड गैया तो बहुत अच्छी बात हुआ था, बस उनका कोई मारे पीटे ना भैया, वो कोई फसले ना चले, कोई मारे पीटे ना, कितना बढ़िया। और इनका अच्छा खासा उदाहरण तो देखा था भैया, टिकैत नगर पंचायत अध्यक्ष खुद दे रहे हैं, गाय का इतना प्यार कर की पूछो ना, यू देखो गाय रहा कि सांड रहा, पूरा भैया मुँह चटवा लिया था। हाँ हाँ चाटो चाटो क्या बात है भैया, और बढ़िया खवैता रहा उनका साथ है, यू देखो बढ़िया सोफे बैठे रहा और उनका खवा उतना अपने हाथन से, कितना बढ़िया प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहे हैं। और एक भैया हमका जोड़ी भी दिखाई टिकैत नगर पंचायत में, जी हाँ भैया बंदर की और उगी सांड की, तनिक देखो साथ अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। अब यह जोड़ी तो बहुत अनोखी जोड़ी है भैया, सांड की सवारी देखा तो बंदर महाराज कर रहे थे, क्या बताएं भैया बहुत मजा आ रहा था, सोशल मीडिया पर इस वीडियो वायरल हो रही है। और टिकैत नगर पंचायत के चेयरमैन भी भैया गैयन से बहुत मोहब्बत प्यार कर रहे थे, देखा तो पूरा मुंह चटवा लिया था, कितनी अच्छी तस्वीर है, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन हम एक चीज कहना भी चाहेंगे कि देखो चाचा आपका तो निजी गौशाला है, एक टिकैत नगर पंचायत में भैया सरकारी गौशाला भी खुलवा दो जिससे भैया आम गैया भी उमा सके, बहुत किसानों का नुकसान हो जाता, सुनो का किसान का बताओ। क्या नाम है आपका? सुदीप कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले? टिकैत नगर मोहल्ला ददवारा। क्या समस्या है आपकी? साड़ बहुत है भैया यहाँ। कहाँ साड़ है? कोल्ड स्टोर के बगल। अच्छा। आलू कुढ़ाई रहे हैं, गंदगी बहुत फैला रहे हैं। हाँ भाई ऐसा ना जाने भैया, बहुत सारी समस्या, तरह तरह की समस्या, हर कोई जाना था भैया, फसल चढ़ जाते हैं, किसानों का नुकसान हो जाता है, और इसके साथ ही साथ भैया सड़क पर अगर गैया सांड घूमत है तो सड़क दुर्घटना हो जाता है, और बेचारी गैया भी चुटा जाती है, सड़क किनारे पड़ी रहती है, बदहाल कोई ध्यान देने तैयार नहीं होते। तो उम्मीद करेंगे प्रशासन से भी भैया, सरकार से भी, और भैया क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी से भी, कितने देखेंगे भैया समस्या का समाधान निकालेंगे। बाकी अगली खबर देख ली थन। अब ऐसा ना देखो भैया, वहाँ तो करे जाओ फट उठा, आंखों में आंसू आ गए, अभी इंसान का बच्चा होता तो 10 जने यहाँ पर आते, पुलिस वाले आ जाते और उठा करके उसको भैया अस्पताल में भर्ती कराते, लेकिन यूँ तो भैया गाय का बच्चा है, जानवर का बच्चा है, ऐसा तो गौ माता की पूजा हर कोई करत है, लेकिन जब पड़ी रहा था सड़क किनारे तो कोई देखे तैयार नहीं होते। क्षेत्रीय प्रतिनिधि का फोन लगाओ कि देखो भैया देखो तुम्हारे क्षेत्र का यू मामला, तनिक देख लो इका हटवा दो, तो कहते कि अरे जिंदा तो है, हम क्या करें, जब मर जाएगी तो बताना, हम कहते भैया हमें रिक्वेस्ट कर दी था, तो कहते हमका कोई बताई से नहीं रहा, तो हम कहा जानी, अरे हम कहते हमें भैया रिक्वेस्ट कर दी था, तो जाए कहते हैं कि ठीक है नगर पालिका फोन कर दी था, मतलब जब तक ये जिंदा है तब तक भैया उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी, जब ये मर जाएगी तो उनके कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। हाँ पशु विभाग की लापरवाही बोले अनदेखी बोले या प्रशासन की अनदेखी बोले लापरवाही बोले, देखा तो भैया छोट छोट बछड़ा सड़क किनारे तड़प रहे हैं भैया, दम तोड़े तैयार हैं, करेजा धड़क रहा है, छाती धड़क रही है, और बिचारन के भैया ऊपर मक्खी भिनभिना रही है, इसे पड़े हैं रोड किनारे, आज नहीं तो थोड़ी देर में दम तोड़ देंगे, लेकिन कोई ध्यान देख तैयार नहीं। और क्षेत्रीय प्रतिनिधि के प्रतिनिधि जो मोहल्ले वाले नहीं भैया, उनके प्रतिनिधि आज के दम फोन नहीं मिलाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलाएंगे भैया, तुम लोग उनके हाथ जोड़ी तो आज के बाद फोन ना मिलेगा, तुम लोग ईवी बात करो तो बताओ, सोचे थे मर जावे तो इका उठवाई, बताओ इतन की बातें करते हम भैया आज के बाद फोन नहीं करेंगे। बाकी वीडियो अच्छे लगे चैनल लगे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शिवम भैया से हर जुगे से मिलेगी दबाद में, बहुत दुखद खबर थी भैया, हमने कतरे आपको दिखा दें।